I'm on the top of the world. Come in the night, let's spark a light and see you. रात को हम आए थे पूरे 12 घंटे का ट्रैक करके, तो हम बहुत थक गए थे. हमने कैंप वैम्प किया, अब सुबह उठे हैं, फ्रेश फ्रेश हुए हैं, अब करने जा रहे हैं दर्शन. उसके बाद फिर घूमने जाएंगे आगे. मंदिर बिल्कुल पास में ही है हमारे, यहाँ पर हमने पीछे टेंट लगाया था, तो आगे हम मंदिर में जा रहे हैं. शायद मंदिर का व्यू यहाँ से दिख रहा है. आपका चालान कटेगा, भर भर के कटेगा. तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मंदिर के अंदर कोई भी नहीं जा सकता है. आप दर्शन मंदिर के बाहर से ही कर सकते हैं. कोरोना के कारण मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते. तो बताइए रोहन भाई, पानी पीछे से आया था. पीछे गांधी सरोवर है, उसके ऊपर जब बादल फटा था ना, तो सरोवर का डैम टूट गया था जो उसके बॉर्डर से होते, तो वहां से पानी जो रफ्तार में आया है. और यही पत्थर जो ये है, ये वो पत्थर है जिससे पानी रुका है. ये पानी के साथ आया और ये पत्थर आके यहाँ अड़ गया, जिससे ऐसे पानी दो भाग में चला गया और मंदिर सेफ हो गया. और भाई मंदिर को देख के ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था. अभी नया नया बना है, कोई बता ही नहीं सकता ऐसा कुछ हुआ है. घूम लिए, अब चल रहे हैं घूमने. फिर शाम की आरती के टाइम पे दोबारा आएंगे मंदिर. वन मोर टाइम. नहीं जम्बू, जंबू पैर में दर्द होगा. जंबू नहीं, जंबू. चालू हो गई हमारी फिर से खूबसूरत ट्रैक. अब जा रहे हैं केदारनाथ से और ऊपर. ये देख रहे हो, ये पूरा ओवल शेप में बना हुआ है और दोनों तरफ नदियां बह रही हैं, ताकि वहां से जब पानी आए तो दोनों तरफ से बह जाए और मंदिर को कुछ ना हो. मेरी बहू की हालत बहुत खराब है. मेरी बहू के पैर भारी हैं. हेलीपैड ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है मंदिर. इतना चलना होता है जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं बस. अब हम पहुँच गए हैं केदारनाथ से ऊपर भैरव बाबा के मंदिर पे. अब यहाँ उस मंदिर से भी ऊपर हैं और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, नज़ारे देख ही रहे हैं. सारे अपने आप बोल रहे हैं.
हमने सोचा कि केदारनाथ तो आई हैं, तो ऐसे ही थोड़ी घर चले जाएंगे। तो अब हम जाएंगे तुंगनाथ मंदिर और कैंपिंग करेंगे वहाँ चौपटा में। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। बजट ज़्यादा है यहाँ रुक सकते हो। और नहीं है तो टेंट है ना। ये देखो भाई, इसकी तो पिचक्की मुंडी।